अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफआई नौगांव। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आजकल हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन मॉनिटरेबल एक्सरसाइज 2.4 के आज हम आखिर के दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और फिर मजीद बात हम करेंगे 2.5 पर कल की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक दादाजी है जो अपनी पोती से 10 गुना ज्यादा एज का है। एक दादाजी अपनी पोती से 10 गुना ज्यादा एज का है और साथ ही वो अपनी इस पोती से 54 ईयर्स ओल्डर है, यानी कोशिश पर छोटी से 54 वर्षीय जोड़। अच्छा ठीक, वी हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बेटा हमें बतानी इस दादाजी की कितनी एज होगी और ये पोती जो है इसकी एज कितनी हो। सो आई सपोज दैट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा जी डॉटर, जी विल मीन ग्रैंड। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो फिर क्वेश्चन के मुताबिक जो दादाजी है वो इसकी एज से 10 गुना ज्यादा एज की का है, दैट मीन्स दादाजी की एज फिर होगी 10x। सो देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंडफादर, यानी प्रेजेंट एज जो होगी ग्रैंडफादर की, एज ऑफ ग्रैंडफादर, जी फादर मैंने लिखा, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, दैट इज 10x। और बेटा दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन कहता है कि ये जो दादाजी है इस अपनी पोती से 54 ईयर्स ज्यादा इसकी एज है। ऑल्सो जो दादाजी की एज है, अब दादाजी की प्रेजेंट एज कितनी है 10x, ये जो 10x है ये पोती की एज से, पोती की एज क्या है x, ये इस x से 54 टाइम्स ज्यादा है। सो 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। तो बेटा ये बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो x है, इस x को हम राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो ये बनेगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। तो 10x में से x करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 9x। सो 9x इज इक्वल टू 54। तो बेटा जो x है, x का वैल्यू आएगा 54 डिवाइड बाई 9, ये 9 डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि हमने इससे पहले भी कई क्वेश्चंस में ऐसा किया है। तो यहां कैंसिलेशन करेंगे, 9 1 9 9 6 54, हेंस x इज इक्वल टू 6। लेकिन x हमने क्या रखा है, वो हमने रखा है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, हेंस x इक्वल टू 6 ईयर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। और जो दादाजी है उसकी प्रेजेंट एज है 10x, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर वो हमने 10x रखी है ना, दैट इज 10 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 6, 10 इंटू 6 इज 60 ईयर्स। फिर जो दादाजी होगा उसकी प्रेजेंट एज 60 ईयर्स होगी। ठीक है, शाबाश। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, सुहेल्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। सुहेल की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा है। 10 ईयर्स एगो, आज से 10 साल पहले, ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने बेटे की एज से 5 गुना ज्यादा था, 5 गुना ज्यादा था। तो हमें बताना है व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी।
इट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कहता है साहिल जो है, साहिल इज एज इज 3 times द सन इज एज। देखिए बेटा, हम सपोज करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। सपोज जो साहिल है उसके बेटे की जो मौजूदा एज है वो एक्स ईयर्स, तो साहिल की जो एज है वो कितनी होगी, इससे 3 गुना ज्यादा। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल प्रेजेंट एज ऑफ बल्कि सुहेल है, साहिल नहीं है, सुहेल। सो प्रेजेंट एज ऑफ सुहेल जो होगी वो इससे 3 गुना होगी, दैट इज 3x, 3x ईयर्स। ओके, अब बेटा क्वेश्चन कहता है 10 years एगो। अब देखेंगे 10 साल पहले इनकी क्या एज रही होगी। 10 years एगो तो हम देखेंगे 10 साल पहले एज ऑफ साहिल। जैसे आपकी एज, आप मानिए आज तकरीबन आपकी एज 15 साल है, तो 10 साल पहले आपकी एज होगी 15 minus 10, दैट इज 5 years। तो 10 years ago एज ऑफ साहिल, देखिए बेटा साहिल की जो बल्कि सॉरी एज ऑफ सन नॉट साहिल या सुहेल 10 years ago एज ऑफ सन, देखिए सन की जो एज है आज, जो सुहेल का सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स, वो आज एक्स है, तो 10 साल पहले ये एज रही होगी एक्स माइनस 10 years। क्या रही होगी, एक्स माइनस 10 years। और 10 साल पहले जो सुहेल है उसकी एज कितनी होगी, एज ऑफ सुहेल, अब सुहेल जो है आज उसकी एज है कितनी है उसकी एज 3x, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी 3x माइनस 10 years। 10 साल पहले उसकी एज रही होगी 3x माइनस 10 years। ओके, तो अब क्वेश्चन कहता है कि जो 10 साल पहले इसकी एज थी 10 years ago he was 5 times his son's age। ओके, सो बाय द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सुहेल्स एज 10 years बिफोर That is 5 times his son's age. That is 3x minus 10. ये जो बेटा सुहेल की एज रही है 10 साल पहले, That is 3x minus. ये 3x minus 10 कितना है? It is 5 times the age of सुहेल at that time. So it is 5 times x minus 10. 3x minus 10 किसके बराबर है? 5x minus 10 के बराबर. Okay? और दिस इंप्लाइज 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू एक्स हो गए 5x एंड 5 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 50। तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चा इस साइड में हमारे पास 3x है, तो 3x को अपनी ही जगह पर रखिए, यहां से इस 5x को उठाइए, इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये बनेगा 3x माइनस 5x इज इक्वल, अब यहां हमारे पास माइनस 50 है, इस माइनस 10 को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये प्लस 10 बनेगा। ठीक है, अब 3x माइनस 5x कितने हो गए, ये हो गए माइनस 2x इज इक्वल, माइनस 50 में से 10 करेंगे एड, माइनस 50 को जब 10 एड करेंगे वो बनेगा माइनस 40, तो माइनस और माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा एक्स इज इक्वल टू 40/2, दैट इज 2 on 2, 2 into 20 is 40। तो एक्स हमने क्या रखा था, एक्स हमने रखा था प्रेजेंट एज ऑफ सन, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 20 years। तो जो सुहेल का बेटा होगा उसकी उसका जो उसकी जो प्रेजेंट एज है दैट विल बी
20 years and the present age of सुहैल, और जो सुहैल है उसकी जो अपनी प्रेजेंट एज होगी वो कितनी है, वो हमने रखी है 3x, कितनी रखी है 3x, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 20, 3 इंटू 20 इज 60 years, तो फिर जो सुहैल है वो खुद आज 60 years का होगा, ठीक है, शाबाश। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 2.5 है, 2.4 है, खत्म हो गई। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 2.5 पर, कुछ सवाल करेंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह कल के वीडियो में। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।